friends, namaskar, sasikal. I'm your astrologer friend Amit Kapoor. Today I'm presenting you weekly forecast from 14th May 2018 to 20th May 2018. Guys, my all prediction are based on your ascendant sign, not for your moon sign. आज मैं आपको ये भी बताने जा रहा हूँ कि जो मैं predictions दे रहा हूँ ये transit के planets की movements के ऊपर based हैं. Degreeically कौन सा planet किस week में कितने degree को cross कर रहा है, Jupiter और moon के साथ कौन से planet का क्या संबंध बन रहा है. सो गाइज, ये जो predictions हैं हमारी, ये 50% आपकी लाइफ पे अप्लाई होती हैं अगर आपको आपके ascendants का पता है तो. 100% स्ट्रीक predictions लेने के लिए आपके इंडिविजुअल चार्ट में ट्रांजिट के प्लैनेट का नेटल चार्ट के साथ क्या रिलेशन है वो चेक करना ज़रूरी होता है, और आपके ऊपर कौन सी महादशा और अंतरदशा चल रही है वो देखना बहुत ज़रूरी होता है. तो गाइज, जो हम predictions आपको दे रहे हैं, स्पेशली जो मैं predictions आपको दे रहा हूँ, ये 50% आपकी लाइफ पे अप्लाई ज़रूर होंगी अगर आपको आपके ascendants का पता है तो. अब ascendants को हम कैसे पता लगाएं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल कॉल मी एंड दे वॉन्ट टू नो कि विच इज़ माई ascendants एंड विच इज़ योर ascendants. सो गाइज, वेन यू ओपन द फर्स्ट पेज ऑफ योर हॉरोस्कोप, अगर वो हिंदी में बना हुआ है तो उसके ऊपर लगन लिखा होगा, लगन, लगन. जिस खाने में, जिस हाउस में लगन लिखा है उसके नीचे एक नंबर पड़ा होगा, 1, 2, 3, 4, 1 से लेकर 12 तक, वो आपका ascendants होगा. अगर 9 नंबर है तो सेजिटेरियस असेंडेंस है, अगर 2 नंबर है तो टॉरस असेंडेंस है, अगर 12 नंबर है तो पाइसिस असेंडेंस है. तो गाइज, अपने हॉरोस्कोप को ओपन करें, फर्स्ट पेज पे देखें. अगर फर्स्ट पेज में सिर्फ डिस्क्रिप्शंस हैं, जो आपके कॉलम्स हैं वो सेकंड पेज पे बने हैं, तो उसमें आप देखें लगन कहाँ पर लिखा है. ऊपर लिखा होगा लगन कुंडली, या इंग्लिश में लिखा होगा नेटल चार्ट, और इंग्लिश में लिखा होगा असेंडेंस, ASC. तो जिस हाउस में ये लिखा हुआ है वो आपका असेंडेंस है, और वो साइन ही आपके असेंडेंस का लॉर्ड है. लेट स्टार्ट फॉर द सेजिटेरियस असेंडेंस. फॉर सेजिटेरियस असेंडेंस गाइस, इस वीक में आप अपने भाइयों से ज़रूर बना के रखें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर बना के रखें, कड़वे शब्द बिल्कुल ना बोलें. खर्चे ज़रूर आपके पीक पे रहेंगे, जिस वजह से आप मेंटली कुछ डिस्टर्ब हो सकते हो, बट घबराने वाली बात नहीं है. सेकेंड पार्ट ऑफ द वीक इज़ वेरी मच पॉजिटिव फॉर यू, फॉर स्पेशली योर प्रॉफिट्स जोन. आपके प्रॉफिट में राइज होगा, अर्निंग आपकी बढ़ेगी, आप किसी किस्म के छोटा मोटा गेट टुगेदर कर सकते हो. बट फर्स्ट 2 or 3 डेज ऑफ दिस वीक देर इज़ सम कन्फ्यूज़न, देर इज़ सम डिस्टर्बेंस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. सो गाइज, इस समय को निकालें, स्वीट टॉक्स में रहें, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़ें. ज़रूरी नहीं कि अगर सामने वाला हमें गाली दे रहा है तो हमें उसकी गाली का जवाब गाली से ही देना है. वो अपने कर्म कर रहा है, आप अपने कर्म कर रहे हो, भगवान सबके कर्म देख रहा है. सो गाइज, डू योर बेस्ट एंड यू विल बी श्योरली ब्लेस्ड विद अ गुड फॉर्चून. नो मोर अबाउट दिस वीकली फोरकास्ट, विजिट माई वेबसाइट www.akastrologer.com एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियोज. थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद.